गुरु रामदास की यात्रा निरहंकार से अहंकार की यात्रा। कहा भी है, निमाणिया के मान, निथावया की था, नियासरिया के आश्रय, नियोटिया की ओर। यानी जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर, अपने मैं को छोड़कर, पूरे समर्पित भाव से, पूरी श्रद्धा से गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है, वही व्यक्ति रामदास बनता है और वही व्यक्ति गुरु बनता है। आवश्यकता क्या है? यदि हम गुरु रामदास के जीवन में देखें तो गुरु रामदास गुरु अमरदास के कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे, सिर्फ एक सेवक थे, जिनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास ने अपने पुत्रों को छोड़कर रामदास जी को गद्दी दी। आज जब सब तरफ परिवारवाद का बोलबाला है, राजनीति में तो है ही, धर्म के क्षेत्र में भी परिवारवाद का बोलबाला है, उस समय यदि हम गुरु रामदास के जीवन से या गुरु अमरदास के जीवन से कुछ शिक्षा ले सकें कि कैसे परिवारवाद को तिरोहित करके, कैसे परिवार को छोड़ के एक सच्चे सेवक को गुरु बनाने की कल्पना। अक्सर हम लोग अपने मैं में जीते हैं, अपने अहंकार में जीते हैं। कोई यदि हमें काम कहे तो हम कहने लगते हैं कि ये काम मेरे लायक नहीं है। जब हमारे अंदर ये भाव पैदा होता है कि ये काम हमारे लायक नहीं है, उस दिन हम अवनति की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। उन्नति का मार्ग यही है कि यदि हमें कोई काम कहा जाए तो हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे इस काबिल समझा कि यह कार्य दिया, अन्यथा किसी को भी वो कार्य दे सकता। जो व्यक्ति गूंगे को बुलवा सकता है, पंगु को पहाड़ लंगवा सकता है, यदि वो चाहे तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो किसी से भी करवा सकता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र। और जब जब हम समझते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूं, उस समय हमारी अवनति होती है, और जिस समय हम यह सोचते हैं कि वो कार्य कर रहा है, हमारी उन्नति होती है। एक बुढ़िया के पास एक मुर्गा था। बुढ़िया के मन में एक बात बैठ गई कि जब उसका मुर्गा बांग देता है तब सूरज निकलता है और गांव के लोग उठते। अब उसको ये वहम हो गया कि जो कुछ इस गांव में होता है तेरे मुर्गे की वजह से होता है। एक दिन गांव वालों से कोई झड़प हो गई तो अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई और कहा कि अब देखती हूं तुम्हारे गांव में उजाला कैसे होता है, अंधेरा ही रहता है। दूसरे गांव में गई, मुर्गा बांग देता, सूरज निकलता, बड़ी खुश होती और ये समझती कि वहां के गांव के लोग अंधेरे में डूबे बैठे होंगे। अब ऐसे ना समझ को कौन समझाए कि जब सूरज उगता है तब मुर्गा बांग देता है, ना कि मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। थोड़ी सी बात समझने की है, और जिस व्यक्ति के बात ये समझ में आ जाए वो फिर इंसान ना रहकर भगवान हो जाता है। और गुरु रामदास ने इस बात को समझा। जो कार्य अमरदास के पुत्र करने से मना कर देते थे वो रामदास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मानो गुरु किसी दिन बीमार है और अमरदास जी के यहां प्रथा थी कि रात को सब कुछ खाली करके सोते थे, जितने भी बर्तन पानी के, खाने के, जो कुछ था सब कुछ खिला देते, जो कुछ बचता वो ब्यास में डाल देते।
और ऐसे ही पानी भी जो बचता वो भी ब्यास में डाल देते थे, रात को कुछ नहीं रखते थे, अगले दिन की अगले दिन परमात्मा करे। बीमार थे, दवा लेनी थी, पानी चाहिए। गुरु रामदास पानी लेने गए, पानी लेकर जब तक आए तब तक गुरु सो चुके थे। अब उस मटके को नीचे इसलिए नहीं रखा कि कहीं आवाज आए और गुरु की नींद खुल जाए। उस मटके को हाथ में लिए पूरी रात खड़े रहे और जब सुबह गुरु की नींद खुली तो गुरु ने देखा कि रामदास तो मटका लिए ऐसा ही खड़ा। तब कहा कि तू सच्चा सेवक है, तेरी सेवा के आगे मैं नतमस्तक हूं और तेरी सेवा से मैं तुझे गुरु गद्दी सौंप। गुरु ने लोटा कीचड़ में फेंक दिया, उस कीचड़ में ना अपने बेटे जाए ना और लोग जाए, सिर्फ रामदास के। और कई बार हम सोचते हैं कि कोई आदेश दिया गया हमारे सीनियर्स के द्वारा और हम सोचते हैं कि यह आदेश गलत है, ये कैसे हो सकता है। और ऐसा ही कुछ अमरदास और रामदास जी के साथ हुआ। अमरदास जी ने कहा मेहमान बहुत आए हैं, बबूल के पेड़ों से मिठाई ले आओ। अब सब लोग सोचें कि बबूल के पेड़ से कभी मिठाई निकलती है, हर कोई सोचे कि गुरु कमला गया, गुरु पागल हो गया। पर रामदास जी बबूल पर चढ़े, बबूल को झाड़ा और सारी की सारी मिठाइयां उस बबूल के पेड़ से झड़ने लगी, क्योंकि रामदास तो जानते हैं कि मेरा गुरु समर्थ है, जो गुरु आज्ञा दे रहा है उसमें कोई ना कोई भेद छिपा है, उसमें कोई ना कोई चमत्कार छिपा है, उसमें कोई ना कोई सीख छिपी है। तो गुरु आज्ञा को कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा, कभी गलत नहीं समझा, जो भी आदेश दिया वो सर्वमान्य। और सूझबूझ इतनी कि आज लोग हम व्यापार की बातें करते हैं, आज हम वर्ल्ड ट्रेड की बातें करते हैं, उस समय में 17वीं शताब्दी की बात, उस समय में एक ऐसा शहर बनाया जिसे व्यापार का केंद्र बनाया और व्यापार का प्रतिष्ठित केंद्र बनाया। और आज भी अमृतसर अपने व्यापार के लिए जाना जाता है, अपने खाने पीने के लिए जाना जाता है। आप में से कितने लोग अमृतसर गए? काफी सारे लोग गए। लंगर 24 घंटे उपलब्ध, लंगर से अभिप्राय कि हर व्यक्ति को बिना छुआछूत के, बिना जात पात के, बिना रंग भेद के एक ही लाइन में बिठाकर सबको मिलता था। ऐसी प्रथा इसलिए शुरू की गई कि एक तो हर व्यक्ति को खाने को मिले और हर व्यक्ति को बिना जाति रंग और छुआछूत के खाने को मिले, क्योंकि उस समय जाति प्रथा अपने पूरे के पूरे कुचक्र में थी, पीक पर थी जाति प्रथा। उस जाति प्रथा पर प्रहार करने का तरीका निकाला लंगर। और अकबर स्वयं देखने आया कि कैसे ये लंगर होता है और कैसे सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। कोई छोटा कार्य नहीं था उस समय, विरोध के बावजूद किया। पंडित पुरोहितों ने विरोध किया इस बात का कि कैसे शूद्र जाति का व्यक्ति क्षत्रिय के साथ बैठकर खा सके, परंतु एक ऐसी परंपरा चलाई जिसका कोई सानी नहीं। आज भी बांटकर खाना सिख संप्रदाय की परंपरा है, दसवंत सिख संप्रदाय की परंपरा है कि अपनी आय का दसवां हिस्सा गुरु घर में लगाना, सेवा के कार्यों में लगाना, दीन दुखियों के लिए लगाना। यदि परमात्मा ने हमें कुछ दिया है और उसका कुछ अंश हम जिनको नहीं दिया उनके लिए निकालें, ऐसा गुरु का आदेश। उस समय के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता था पीने को,
इसलिए प्याऊ लगाए, सरोवर बनाए। और एक ऐसे व्यक्ति ने जिसका जीवन अभावग्रस्त था, स्वयं के जीवन में कुछ नहीं था, एक अनाथ बच्चा जिसने चने की घुंघनियां बेच के अपना जीवन यापन किया, और फिर उस महान तत्व तक पहुंचना जो हर व्यक्ति के लिए एक ध्येय है कि मोक्ष मेरा ध्येय है, आत्म साक्षात्कार मेरा ध्येय है, जो हमारा हमारी इस मानव देह का ध्येय है, उस ध्येय तक पहुंचना कोई आसान या छोटी बात नहीं। सिर्फ सेवा के कार्यों से, सिर्फ अपनी पूर्ण श्रद्धा से, सिर्फ अपने पूर्ण समर्पण से, ऐसा रामदास ने करके दिखाया। हम सब मिलकर भी उनके जीवन से अनेक बातें सीख सकते, बशर्ते हम उनमें से किसी एक बात पर अमल करने को तैयार हैं।